तो ये आपके सामने देख सकते हो, मैंने लाइव मॉक दिया है आरआरबी क्लर्क का स्मार्ट कीड़ा से। तो टोटल जो मैंने क्वेश्चंस किए थे वो 67 किए हैं, कोई क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं हुआ है, ठीक है। रीजनिंग में किए हैं मैंने 33 क्वेश्चंस, ये पूरे करेक्ट हैं। क्वांट में किए हैं मैंने 34 क्वेश्चंस, ये पूरे करेक्ट हैं। ओवरऑल 67 किए थे, पूरे करेक्ट हैं। और टेस्ट में स्टार्ट किया था 3:18 पे, 4:03 पे ख़त्म हो गया, 15 से 3 आ गया, मतलब 45 मिनट्स में ये हो गया। और टाइम कैसे कैसे मैंने आपको दिया था देख लेना आप। रीजनिंग को मैंने इतना टाइम दिया है, क्वांट को मैंने ज़्यादा टाइम दिया है यहाँ पे, ठीक है। रैंक जो बनी है मेरी वो बनी है 51 आउट ऑफ 2400, और परसेंटाइल बना है 97.88, यानी कि 98 अप्रॉक्स परसेंटाइल बना है। एक्यूरेसी इस मॉक में मेरी फुल रही, ये अच्छा है, नहीं तो एक आध मेरा सिलॉग या इनक्वालिटी स्मार्ट कीड़ा में गलत हो ही जाता है। और कुछ ब्लैंक वाले अरिथमेटिक भी यहाँ पे दिए हुए थे। परफॉर्मेंस ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ, पिछले कुछ मॉक के स्कोर्स मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किए हैं, तो ये है ग्राफ मेरा। अधिकतर तो ऊपर ही चल रहा है, लेकिन एक दो मॉक्स में जो है नीचे आया है परसेंटाइल 80 से कहीं, बाकी तो 95 से ऊपर ही मैं कोशिश करता हूँ रखने की। इस मॉक में तो बेस्ट रहा ही है, ठीक है। तो ये मेरा स्कोर है और सोल्यूशन वगैरह आप देख सकते हो। तो ये मॉक आपने दिया है यदि, तो इसमें आपका स्कोर शेयर करना। और जैसा कि कुछ लोगों ने बोला था, स्मार्ट कीड़ा से भी एक एक लाइव मॉक आप दो, क्लर्क का और पीओ का, तो वो दोनों मैं यहाँ पे दूंगा। तो ये क्लर्क वाला मैंने दे दिया, अब अगला मैं जो है पीओ का मॉक यहाँ पे दूंगा। एक चीज़ यदि आपने शुरू से नोटिस की हो, तो जैसे ही मैंने मॉक अपना स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में ही ये वाली पजल में मैं फंस गया था। देखो लगभग 300 सेकेंड्स, यानी कि 5 मिनट लगभग मैं अपने इसमें इन्वेस्ट कर चुका था। तो ये जो मेरा स्कोर बना है ये 40 मिनट्स का ही स्कोर है। 5 मिनट्स का तो मैं कुछ यूटिलाइज कर ही नहीं पाया, इस पजल को मैं बना नहीं पाया। एक्चुअली इसमें कन्फ्यूजन हो गया था, मुझे लगा 3 ही लोग होंगे, लेकिन 8 स्टेट्स थे और डेट 3 थी, तो मतलब डेट हो गई 9 और 80 स्टेट्स थे, मतलब एक ब्लैंक आ रहा था, जो एक ब्लैंक वैकेंट फ्लोर वाली जो होती है ना, उस टाइप की ये पजल थी। तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था कंडीशंस को फिक्स फिक्स करना, और ज़्यादा कंडीशन भी बन रही थी, इसलिए फिर इसको रियलाइज़ होने के बाद मैंने स्किप कर दिया। एवरेज टाइम भी देखो कितना ज़्यादा है, और टॉपर का टाइम भी लगभग इतना ही है, और उससे भी पता नहीं फिर बनी है या नहीं, तो इसलिए मैंने फिर इसको स्किप की। तो हो सकता है कई बार आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आती हो, तो उससे बाहर निकलना और फिर आगे मॉक को करना, ये आपका टर्निंग पॉइंट होता है। यहीं यदि और कोई, मतलब किसी के साथ होता है ना कि मेंटल प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि मैं पहले ही पजल में फंस गया तो आगे मेरा क्या होगा, तो उस तरीके से फिर आपका जो है स्कोर, परसेंटाइल, अटेम्प्ट सब कुछ बिगड़ जाता है मॉक में। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि यदि आपको समझ में आ रहा है कि आप फंस रहे हो, तो उस पर स्टक मत हो, आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन करो, फिर भी आप मॉक को संभाल लोगे। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें ठीक थी, इसमें जो भी था सब कुछ ठीक था। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, डिस्टेंस डायरेक्शन इजी था। एक पज़ल ये वाली मुझे बस थोड़ी सी हार्ड लगी, बाकी तो सब इजी ही थी। बाकी पज़ल तो काफ़ी इजी थी, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग था किसी को लग सकता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट नहीं बनाया, नहीं तो मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। इसको मैंने इस बार पूरा लिख के बनाया, जैसे ट्रेडिशनल बनाते हैं लिख के वैसे बनाया। तो ये सब कुछ था इस मॉक में, ठीक है। एक केसलेट भी था, 2 DI थे, सिंप्लीफिकेशन तो आपको अप्रोक्सीमेशन ही मिलेंगे स्मार्ट कीड़ा में अधिकतर, और DI भी ठीक ठाक थी, ठीक है। तो ये मेरा स्कोर है इस मॉक में, आपने ये दिया है मॉक, तो बताना आपका क्या रहा है इसमें। और लाइव मैंने आपको ये दे दिया सॉल्व करके, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। पीओ का भी मैं जल्द कर दूंगा अपलोड बना के वीडियो, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।